हेलो भाई, मैं हूँ विशाल। सुबह की गुड मॉर्निंग और सुबह की राम राम। बाकी बताइए कैसे हैं आप। अब हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि अब हम हैं दिल्ली हाईवे पे। रोड पे भी नॉर्मली ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन यहाँ मौसम ज़्यादा ख़राब लग रहा है। या फिर बादल हो सकते हैं, या फिर शायद ये प्रदूषण है, बस तो ये पता नहीं। लेकिन ऊपर देख रहे हैं तब तो मौसम साफ ही लग रहा है, लेकिन ये सामने देख रहे हैं तब ऐसा ही लग रहा है कि हाँ ये प्रदूषण ही है। बाकी चल रहे हैं अभी दिल्ली बचा है यहाँ से 45 किलोमीटर, और गाजियाबाद है 24। बाकी देखते हैं अभी हमें कितना टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ स्पीड कैमरे लगे हैं कि गाड़ी 100 के अंदर ही चलनी है। और बाकी दिल्ली के अंदर तो यही है कि गाड़ी नॉर्मल 50-60, बस यही स्पीड है, नॉर्मल इसी पे चलना है। और अगर ज़्यादा पे चलते हैं तो चालान कट सकता है, क्योंकि जो भी ट्रक, मतलब जो भी छोटा वाहन या बड़ा वाहन चल रहा है वो 100 के अंदर ही चल रहा है, और हम भी अभी 100 के अंदर ही चल रहे हैं, मतलब 90-85 पे ही चल रहे हैं। और बाकी आगे गाड़ियाँ भी जा रही हैं, बस सबके लिमिट यही है, मिनिमम मैक्सिमम 100 के अंदर ही चलना है आपको, क्यों बाकी रोड तो आगे तक खाली है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। बस यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगे हैं स्पीड कैमरे, मतलब ट्रैफिक कैमरे की, अगर आप ज़्यादा ओवर भगाएंगे तो चालान आपका कट सकता है। बस इसी चक्कर में आपको आराम से ही चलना है, और वैसे भी हाईवे पे आराम से ही चलना चाहिए। अभी रास्ते में पहुँचते पहुँचते हमें एक लोकेशन दिखी है, यहाँ पे एयर इंडिया का प्लेन खड़ा है। मतलब कितनी अच्छी तरीके से रखा है, एक आया कैसे होगा यहाँ, मतलब शायद ऐसे आया होगा, बीच वाला अलग से आया होगा, बाकी जो उनके विंग्स वगैरह हैं ये सब अलग से आए होंगे, लेकिन आया तो होगा कुछ बड़े चीज़ से ही आया होगा। ये हमारे एयर इंडिया का ही प्लेन है, यहाँ हम लोग हाईवे पे रुके हुए, देखा था तो नज़र पड़ गई थी, तो हमने कहा लाओ गाड़ी साइड में लगा के एक बार देख ही लेते हैं, क्यों अभी एयरपोर्ट से तो निकल चुके हैं, लेकिन हाँ पास से देखने का, मतलब इतने पास से देखने का मौका अभी तक नहीं मिला है। तो आज देखा तो मैंने कहा लाओ उतर के एक वीडियो शूट कर लेते हैं, अपने लिए भी और बाकी अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भी। मतलब कोई चीज़ बन नहीं है, शायद कोई लोकेशन बढ़िया लोकेशन बन नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लेन खड़ा है और यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और यहाँ पे हमारा तिरंगा लगा हुआ है। अब शायद पता नहीं बन क्या रहा, अब तो ये बनने के बाद ही कंफर्म होगा कि ये क्या चीज़ बन रही है यहाँ पे। बाकी चलते हैं भाई भी से सीधे दिल्ली के लिए। गाड़ियाँ जा रही हैं 90, 100, 120, मतलब जहाँ जहाँ कैमरे लगे हैं वहाँ गाड़ी हल्की चल रही है, और जहाँ कैमरे नहीं लगे हैं वहाँ गाड़ी भागती हुई जा रही है एकदम हवा से बात करते हुए। अभी भी हम चल रहे हैं लगातार हाईवे पे, क्योंकि अभी हमने पीछे एक गलती कर दी थी, मतलब ऊपर बोर्ड नहीं देखा था और हम नोएडा के लिए यू टर्न ले लिए थे, तो काफ़ी आगे से जाने के बाद हमने फिर यू टर्न लिया, फिर पीछे गए, फिर वापस आए हैं। मतलब यही होता ना कि ऊपर बोर्ड पे ध्यान नहीं गया मेरा और हम चले गए काफ़ी आगे, तो
पहुंच गए थे नोएडा के लिए। अब हमें जाना था इस तरफ दिल्ली के लिए, क्योंकि यहाँ से बची है दिल्ली 23 किलोमीटर। नहीं तो मस्ती अगर ना देखते और चलते जाते तो हम नोएडा में एंट्री हो गई होती अब तक हमारी। तो आगे देख ही लगा है हमारा स्पीड मीटर 86 हो कर रही है हमारी स्पीड, क्योंकि हम लिमिट में ही चल रहे हैं, क्योंकि फ़ायदा नहीं है यहाँ कि अगर हम ज़्यादा देर चलेंगे तो हमारा चालान हो सकता है, इसलिए वही 100 के अंदर ही चल रहे हैं। बाकी भी गाड़ियाँ 100 के अंदर ही चल रही हैं जो हमारे आगे पीछे चलती आ रही हैं। अलीगढ़ 114 बुलंदशहर 44। इतना ज़्यादा ट्रैफिक और यहीं पे स्पीड लिमिट है कि 70 से नीचे ही आपको गाड़ी चलानी है, 70 से ऊपर यहाँ रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक भी ज़्यादा है और कोई चलाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। प्लस दूसरी बात, बाई चांस आपने इधर उधर कट मार के गाड़ी निकाल भी ली तो आपका चालान कटना तय है, क्योंकि आप देख रहे हैं गाड़ियाँ मतलब आगे पीछे सब साथ ही चल रही हैं गाड़ियाँ हम लोगों के।